बाबा का कोई दोष नहीं, बाबा की बुद्धि हर ली गई है, जब विनाश आता है ना तो बुद्धि हर लेते हैं ऊपर। अब इनके पास और कुछ नहीं बचा तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुंह चलाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। भारत की जनता 2024 में इनकी हवा निकालेगी। तो कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल रहेंगे, 50 साल उनकी उम्र नहीं बची होगी, नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, युवा अपनी डिग्री लेके जो है घर बैठे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं देश विकास कर रहा है। सर अभी बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने कहा है लोग अपने घर में हथियार रख लें, आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखो बागेश्वर बाबा, आजकल क्या है कि हिंदुस्तान में ना होड़ मची हुई है अपना टीआरपी पाने के लिए, सब साध्वी प्रज्ञा हो रहे हैं। तो इस समय बाबा का कोई दोष नहीं, बाबा की बुद्धि हर ली गई है, जब विनाश आता है ना तो बुद्धि हर लेते हैं। ऊपर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, वो उल जलूल वो हर चीज़ें बोल रहे हैं जो ताकि जिससे टीआरपी मिले। हाँ। बाबा ने ऐसे बहुत सारे बाबा पैदा हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। बाबा अभी गमछा डाल के पहले देख नहीं रहे थे, बहुत सारे लड़के हर चौराहे नुक्कड़ में मिल जाते थे। तो इनको इनको खुद नहीं पता, इनको भगवा का मतलब भी नहीं पता है। सनातनी नहीं है, सनातनी हम, अरे हम हमें बड़ी खुशी है, लेकिन ये करें तो एक उधर ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उधर आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं करना क्या, इनको क्या क्या नहीं करना। तो पहले खुद डिसाइड कर लें करना क्या, एक कहता हम ये करेंगे, दूसरा कहता है ये सब फिजूल की बातें हैं। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, भारत बनेगा, बनाए ना, अच्छी बात है, हिंदुवाद है तो। लेकिन इनकी कोई ना इनकी कोई नीयत है ना कोई इनकी ऐसी कोई पॉलिसी है, ये खाली लोगों को गुमराह करने के लिए जो और मुद्दे हैं गरीबी की, ये जो अडानी के मुद्दे हैं, सब चीज़ों से इनका दिमाग भटकाने के लिए ये सब सारे काम ये कर रहे हैं। और इनका कोई ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। तो कैसे बनेगा बताएं तो, इतनी देर तो 10 साल 9 साल हो गए, 5-7 साल हो गए, अब कब बनाएंगे? अब उसके लिए उनको उसके लिए कितने साल चाहिए इनको? और ये तो जब से आए तब से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कितने साल चाहिए इनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? अब इनके पास और कुछ नहीं बचा तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे बनाओ, करना है। हिंदू राष्ट्र से सहमत है सर? अरे तो करें तो सही, कौन मना कर रहा है? हिंदू राष्ट्र से सहमत है, सहमत है, करें हिंदू राष्ट्र, करें तो सही। दलितों और पिछड़ों का क्या होगा सर? दलितों पिछड़ों के वो भी हिंदू है, वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू है, हाँ दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू है, सब मानते हैं ये, सिर्फ बीजेपी वाले। दलित हिंदू है या नहीं सर ये बताओ? दलित कैसे हिंदू नहीं है? दलित हिंदू है, दलित हिंदू है तो उसको फिर मूछे रखने पे मार क्यों दिया जाता है? ये सब कह रहा हूँ बीजेपी का एजेंडा है, उठा पटक कराए रखेंगे तभी तो उनकी बात करेंगे, नहीं क्यों करेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, यही बीजेपी का मेन एजेंडा है। हिंदू मुसलमान करो, दलित ब्राह्मण करो, छत्री करो, यही सब करो ताकि आपस में लोग लड़ते रहें। मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बीजेपी का एक एजेंडा है। लोकतंत्र को तो मजबूत बना रहे हैं मोदी जी। कहाँ से मजबूत? मुंह चलाने से लोकतंत्र मजबूत थोड़ी होता है, उसके लिए लोकतंत्र मजबूत, मुंह चलाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। विश्वगुरु बना रहे हैं मोदी जी, कहाँ बना रहे हैं वो इतने समझ में आ रहा है? मुंह से बना रहे हैं विश्वगुरु, विश्वगुरु मुंह से नहीं बनता, विश्वगुरु के लिए काम करना पड़ता बनाने के लिए। राहुल गांधी जी जाते हैं, सारी संस्थान करते हैं देश का, सारी संस्थाएं अडानी को दे देने से देश विश्वगुरु नहीं बन जाएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कर तो रहे हैं, विकास दर देखिए भारत की, विकास दर देखे वो तो क्या विकास दर है बताइए? विकास दर अडानी अंबानी को मजबूत करके विकास दर मजबूत नहीं हो जाती? पराक्रम कर रहा है देश, पराक्रम नहीं कर रहा, मोदी जी का पराक्रम दिखाई दे रहा है। चीन भाग गया है सर, चीन भाग गया, चीन का हमारे प्रधानमंत्री जी नाम नहीं, दुर्भाग्य है चीन का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी मुंह से नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी देश की सेवा के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, पत्नी तो पहले छोड़ दिया था, देश सेवा करने से पहले पत्नी छोड़ दिया था, सेवा करने के लिए छोड़ा था, सेवा करने के लिए नहीं छोड़ दिया था। क्या बताऊं, ना कहूं तो अच्छा है, ठीक है? अभी तो कह रहे हैं, अभी तो ये भी कह रहे थे जो शादी नहीं करता उनमें पुंसक होता है, उनके कोई नेता भी कह रहे थे ना, तो अब उन्होंने शादी करके छोड़ दिया है, अब इससे क्या समझा जाए? उन्हीं के नेता बता रहे हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे, उन्हीं के नेता कह रहे हैं। और उधर योगी जी ने शादी नहीं किया, इधर मोदी जी शादी करके छोड़ दिए, उनके एक नेता कहते हैं कि शादी ना करने का मतलब वो आदमी काबिल नहीं होता, इसलिए शादी नहीं करता। हम तो कुछ नहीं कह रहे, सारे इन्हीं नेता, राहुल गांधी को टारगेट कर, अरे राहुल गांधी को टारगेट कर, राहुल गांधी इसलिए शादी नहीं करते उनको बच्चे, तो उसके मतलब वो समझ रहे थे ना पहले? नहीं, उसके मतलब वो समझ रहे थे तभी तो बोला।
हम लोगों को तो नहीं पता ऐसा कुछ, हमने कभी भावना हमारे दिमाग में नहीं आई, उनके दिमाग में उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा सोचा होगा तभी एक ने शादी करके शादी छोड़ दी, दूसरे ने शादी नहीं। कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है, जेपी नड्डा कौन से विरोधी है तो बताए, अच्छा राष्ट्रवादी है वो, राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाने के अलावा उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हो तो बता दो, एक अच्छा काम देश जोड़ने का एक काम किया हो तो बताओ। वो खाली जब से सत्ता में आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण और शूद्र यही करने लगे हो, दूसरा एजेंडा बताओ उनका। राज्य में देश तरक्की कर रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तरक्की सिर्फ या तो सोशल मीडिया वालों को दिखाई दे रही है या अंबानी और अडानी को दिखाई दे रही है, किसे दिखाई दे रही है, जनता 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 आपकी बताएगी 2024 में, जनता बताएगी कि क्या दिखाई दे रहा है, कोई नहीं जनता जनता कांग्रेस है, कांग्रेस चुनेगी इस बार, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, जनता अपनी भूमिका निभाने में भी नाकामयाब है, विपक्ष बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहा, तब ईडी सीबीआई इनका सबका इस्तेमाल करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो क्यों नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार फिर विपक्ष में भी है, विपक्ष में ही है, सत्ता में डरा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ, वही कह रहा हूँ, डरा रहे हो तो डरा हुआ है, मतलब बल नहीं गया, बल कैसे जाएगा 2024 में बताएंगे कितनी रस्सी जल गई है, 2024 में भारत की जनता, आपको लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल भारत की जनता 2024 में इनकी हवा निकालेगी, अभी 2023 में जितने चुनाव हो रहे हैं देख लीजिए कांग्रेस का जनाधार घटता चला जा रहा है, कुछ कहीं नहीं घट रहा, चुनाव होने दो, अब जो बाकी प्रदेशों के चुनाव आएंगे इसी में देख लेना, फाइनल रिजल्ट इसी में आ जाएगा 2024 का। ये मोदी जी दावा दे रहे हैं कि अभी अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, चाहे कोई कुछ भी, देखो मोदी जी तो और मोदी जी तो 50 साल के लिए कर रहे हैं, उनकी उतनी उम्र नहीं बची जितने साल के लिए प्रधानमंत्री की दावा कर रहे हैं, हाँ। उनकी टीम तो करने दो, आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपकी रहेगी 50 साल, भाजपा तो छोड़ दो, तो कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल रहेंगे, 50 साल उनकी उम्र नहीं बची होगी, 50 कहने से थोड़ी कुछ होता, जुबान चलाने से चमड़े उसमें हड्डी थोड़ी है, जैसे मर्जी से घुमा लो, काम कर रही है आपको जलन हो रही है, बिल्कुल भाजपा देश हित में काम करें, सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, लेकिन देश हम उसकी तारीफ करेंगे, देश हित का काम कौन सा कर रही, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण और दलित इसके अलावा क्या कर रही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं कुछ, विकास कर रही है देश आगे जा, कहाँ विकास कर रहा है वही तो बताओ, सड़क विदेशों में डंका बज रहा है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, देश विकास कर रहा है, लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, युवा ग्रेजुएट अपनी डिग्री लेके जो है घर बैठे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं देश विकास कर रहा है, चूड़ियाँ किसकी चूड़ियाँ अब्दुल बस वही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान दो चीज़ है उनके पास, तीसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सुनो पहले हिंदू मुसलमान की भी जो हवा थी वो निकल चुकी है, अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, अब क्या करें, अब हिंदू राष्ट्र भी देख लेना कितना देर, कांग्रेसी नेता तो कांग्रेस छोड़ के भागते चले जा रहे हैं, अरे देखो जिसको छोड़ना था जो छोड़ के चले गए, हाँ। जो अब उनके पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अच्छा जो छोड़ के गए पहले भ्रष्टाचारी थे, अब यही बीजेपी वाले कहते थे, हाँ। बीजेपी वाले कहते भ्रष्टाचारी थे, हाँ। अब वहाँ जाके शास्त्री हो गए, उनके पास एक को भ्रष्टाचार केस नहीं है, अच्छा हाँ सब जाके शास्त्री हो गए वहाँ, भाजपा शुरू से ही कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से ही नफरत फैला रही है, कांग्रेस नफरत, मतलब बीजेपी में चले जाओ तो नफरत खत्म, कांग्रेस में रहो तो नफरत है, हाँ। तो जो बीजेपी किसी विपक्ष के जितने भी गए कांग्रेस के नहीं, इसमें नफरत फैलाने का काम विपक्ष के जितने नेता गए हैं बीजेपी में वो सब शास्त्री हो गए, उनके पास एक भी कोई करप्शन की केस नहीं, पहले करप्शन से भरे हुए थे, लबालब थे वो, अब एक भी केस नहीं करप्शन का उनके ऊपर, सब शास्त्री बन गए, गंगा जल राष्ट्रवादी गंगा जल छिड़क उठा उनके ऊपर, शुद्ध हो गए वो।